हेलो एवरीवन, सिंटर न्यूज़ पार्क में सभी का स्वागत है। इस चैनल पर ज्यादातर हम लोग ब्रेकआउट चार्ट और इन्वेस्टमेंट चार्ट लेके आते हैं, तो हर रोज की तरह आज एक नहीं दो चार्ट है जो आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा सकते हैं, तो उन दोनों पे तो चर्चा करेंगे ही। उस पर चर्चा करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइए, क्योंकि एक भी नोटिफिकेशन मिस होगी तो आपकी लर्निंग जरूर मिस होगी। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप चाहे इन्वेस्टमेंट करते हो चाहे ट्रेडिंग करते हो, बिना लर्निंग के आप इस मार्केट में कभी भी अर्न नहीं कर सकते हो। तो मोटा मोटी कुछ चीजें हम लोग बताते हैं रेगुलर, कुछ चीजें रिमाइंड कराते हैं, जो चीजें अक्सर रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, गलती करता है, तो उसके लिए क्या करना है, इस चैनल पर लगातार आना है, लगातार सीखना है कि क्या चीज हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम पे मिस्टेक ना हो। तो देखिए, चार्ट अच्छा है तो उसे क्या कर सकते हैं, आप अपनी लर्निंग के लिए देख सकते हैं, अपने एडवाइस का डिस्कस भी कर सकते हैं। यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, इसे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे। और जब भी किसी स्टॉक का नाम किसी कंपनी का नाम लिया जाता है तो वह एज ए एग्जाम्पल के लिए दिया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, उससे पहले कुछ दो चार्ट दिए थे उस पर क्विक अपडेट दे देते हैं। देखिए, चार्ट तो हम लोग जो भी देते हैं यहाँ पे 90% आपके चार्ट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हिट होते हैं। देखिए, 342 के आसपास हम लोगों ने फिनो पेमेंट बैंक दिया था, इसके कुछ लेवल दिए थे, 415 रुपये का फर्स्ट लेवल था, इसने अचीव कर लिया। देखिए, 342 से आपका 415 रुपये, आपको यहाँ पे मौका भी मिला, इसमें क्या किया 342 से एक बार मौका भी दिया, एक डिप लगाने किया था, बताया था कि किसी भी डिप पे यहाँ पे बायर एड ऑन होंगे, क्योंकि बताया गया था कि ये कैंडल ही आपको बता रहे थे कि ये इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। तो देखिए, वो 300 तक जाता है डिप लगाता है, अगेन आप देख सकते हो 415 रुपये का जो हम लोग का फर्स्ट लेवल था वो अचीव हो चुका है। तो आपको चीजें समझनी है कि कहाँ से आप पे मिस्टेक हो रही है। देखिए, एलिन इलेक्ट्रॉनिक दिया था 180 के आसपास, सेकंड लेवल इसका दिया था 235, सेकंड लेवल इसने अचीव कर लिया, तो 180 से 240 रुपया, तो देख सकते हैं 60 रुपये आपको बन रहा है। 60 रुपये मतलब 180 का परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 40% से ऊपर का पैसा है, मात्र 1.5 से 2 महीने के हुए हैं। अभी आज दो चार्ट है, पहला चार्ट आपके सामने है एवरो इंडिया लिमिटेड, करंट मार्केट 156 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो ये चार्ट क्या बता रहा है उस पर थोड़ा सी चर्चा करते हैं। देखिए, इस चार्ट को थोड़ा देखते हैं कि ये चार्ट कब ट्रेंड में आता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, एक लिस्टिंग होती है 2019 में, 13-14 रुपये की लिस्टिंग होती है, ये क्या करता है, एक टॉप लगाता है 26-27 रुपये का, यहाँ पे देखिए इस जगह पे मार्क करके दिखाता है। देखिए, यहाँ पे क्या था, एक ये यहाँ पे क्या करता है 13-14 रुपये से चलना चालू होता है, एक टॉप लगाता है 30 रुपये के आसपास, एक डिप देता है यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी, उसके बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट करता है यानी कि 30 रुपये के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो वन साइडेड मूव दे जाता है 100 रुपये के आसपास। तो ये चार्ट क्या बता रहा है कि जब कभी ब्रेकआउट करता है तो बड़ा ब्रेकआउट करता है, ये चार्ट क्या बता रहा है, बड़ा ब्रेकआउट करता है। तो इस तरह के चार्ट जब ब्रेकआउट करने जाते हैं तो इस तरह के चार्ट को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि अभी ये क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ पे क्या था, एक हाई लगता है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है। देखिए, यहाँ पे क्या करता है, एक हाई लग जाता है यहाँ पे, इसके बाद ये क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, फिर यहाँ पे भी किसी ने पकड़ा तो यहाँ पे एक हाई लगा जाता है 150 रुपये के आसपास। उसके बाद ये चार्ट क्या कर रहा था 2023 से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये लंबे टाइम तक क्या कर रहा था, ये कंसोलिडेशन कर रहा था और ये एक रेंज में फंसा हुआ था। तो अब क्या कर रहा है उस पर देखिए, देखिए यहाँ पे क्या था, ये इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग हुई है। अब देखिए, यहाँ पे ये इस वीक की कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ये कैंडल की क्लोजिंग क्या बता रही है, ये कैंडल की क्लोजिंग बता रही है यहाँ पे जितना भी इसने टाइम दिया, जितना भी क्या किया इसने, इस जगह पे जो भी टाइम लिया, ये सभी लेवल के ऊपर अब की बार निकलने की तैयारी कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो टाइम लिया ना इसने, 2 साल का जो लंबा कंसोलिडेशन किया इसने, वो सभी लेवल के ऊपर निकलने की तैयारी ये कैंडल बता रही है। ये कैंडल क्या बता रही है कि सभी लेवल के ऊपर इस बार हम निकलेंगे। तो अभी देखिए, अभी इस पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अभी देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको समझ सके। देखिए, यहाँ पे क्या था कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या किया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट किया है और कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट किया है। तो आने वाले टाइम पे जब इस तरह के चार्ट निकलते हैं, आपने देखा इसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है तो 3x रिटर्न, तो यहाँ से अगर कोई इसे देखिए, कभी भी कोई चार्ट अगर ब्रेकआउट करे, अच्छा ब्रेकआउट करे, तो उस चार्ट को राइड करना सीखिए। यूं नहीं कि 2 रुपया 5 रुपया लेके निकलिए,
ऐसा नहीं कीजिए, अगर देख लीजिए आपका अगर स्टॉप लॉस अगर 20 रुपया है तो कम से कम आपको 40 रुपया तो लेना ही लेना है, 1:2 तो आपको लेना ही लेना है। ये चार्ट बता रहा है कि ये यहाँ से डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जिसके पास टाइम है 6 महीने से लेकर साल भर तक के लिए, वो इस तरह के चार्ट को बिल्कुल मिस ना करे। ये चार्ट क्या बता रहा है, यहाँ से डबल होने की पोटेंशियल रखता है। तो शॉर्ट टर्म के जो लेवल है जो आने वाले 2 से 3 मंथ में काफी आसानी से पॉसिबल है, वो लेवल क्या है, 195-225। ये दो लेवल तो काफी आसानी से इस चार्ट के अकॉर्डिंग दिखते हैं। देखिए जो यहाँ पे क्या है, आपको जो लेवल जो दिए गए एकदम एग्जैक्ट लेवल आपको मिलेंगे, छोटे मोटे लेवल यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये चार्ट क्या करने जाने वाला है। तो चार्ट की लर्निंग सीखनी है तो लगातार इस चैनल के बनिए। ठीक है, आपको कोई भी स्टॉक देते हैं 50%, 60%, 70%, 80% के रिटर्न यहाँ पे बनते हैं। अभी एग्जांपल दो चार्ट हम लोग पहले भी दिखे हैं, अभी फिनो पेमेंट बैंक और एलिन का, और जितने भी चार्ट हम लोग देते हैं इस तरह के एग्जांपल यहाँ पे मिलते हैं और हिट भी होते हैं, क्योंकि जो रेगुलर आते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे जो भी लर्निंग मिलती है वो चार्ट दे, चार्ट आपको कोई भी बता सकता है कि ये चार्ट खरीद लो, बट वहाँ पे टारगेट क्या बनेंगे वो यहीं पे आपको मिलेंगे। 90% रेट यहाँ पे सक्सेसफुल मिलेगा। सेकेंड जो स्टॉक है, ये चार्ट जो है ये चार्ट भी मिस नहीं करने वाला चार्ट है। ये चार्ट यहाँ पे देखिए, मोरटेक रियल्टी 98 के पास इसकी क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है, और ये यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने जाने वाला है। बिल्कुल सही सुना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने जाने वाला है। 98 के पास इसकी क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम खुला हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या था ना, एक मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसकी खोल के रखा हुआ हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट इसका। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्टिंग होती है 2006 के आसपास, 60 रुपए के आसपास लिस्टिंग, एक लो लगाता है 45, वहीं से रॉकेट हो जाता है 45 स्टॉक 120 3x। उसके बाद आप देख सकते हैं एक यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2008 की जो मंदी में ये स्टॉक एक बार के लिए कहाँ आ जाता है, 10 रुपए के लेवल, यानी कि 5 रुपए के लेवल तक भी आ जाता है। तो अभी क्या है, फिर क्या होता है, एक जैसे देखिए जैसे गिरावट आती है, कभी मंदी में कोई गिरावट आएगी, जैसे स्टॉक गिरते हैं, और जब बुल मार्केट आता है उस हिसाब से जब स्टॉक चलते तो ऐसे ही चलते। देखिए 5 का स्टॉक फिर से चला जाता है एक बार के लिए, 85-86 का हाई लगाया जाता है यहाँ पे। मगर ये जो था ना, देखिए यहाँ पे ये एक चीज सीखिए, इस तरीके की कभी भी कोई भी यहाँ पे तेजी आएगी तो वो क्या रहती है, वो फिजल आउट हो जाती है, वो तेजी लंबे टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे क्या वी टाइप की एक रिकवरी आ गई। यहाँ पे क्या था कि भाई साहब जो यहाँ पे थे जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर से एक बार के लिए आ जाता है 20 रुपए के आसपास। यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे कई कई आप चार्ट को कई जगह पे पकड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे किसी ने पकड़ा था, देखिए क्या पैसा बनता है उनका। यहाँ पे एक यहाँ पे इसने क्या किया, बेस फॉर्मेशन किया यहाँ पे इस जगह पे, एक जो लेवल था 20 रुपए के आसपास, और जब यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट किया यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे, यानी कि जब ये ब्रेकआउट करने जा रहा था 30 रुपए के आसपास, यहाँ पे ये जो कैंडल क्लोज कर रही थी इस पे जब ब्रेकआउट किया तो 30 का स्टॉक क्या हो जाता है, आज की डेट पे आप देख सकते हैं 98 रुपीज के आसपास खड़ा है, मात्र 3 साल के अंदर में, यानी कि 3x ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है जो जिन्होंने यहाँ पे पकड़ा। अब की बार क्या कहे बता रहा है ये चार्ट बता रहा है कि अब की बार हम इस लेवल का, यानी कि 2008 में जो टॉप लगा था उस लेवल को टेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है रिटेस्ट करें और वहां से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ये चार्ट क्या बता रहा है, 17 साल, देखिए 17-18 साल के बाद कोई स्टॉक अगर निकलेगा तो वो स्टॉक निकलता ही नहीं, रॉकेट हो जाता है। बिल्कुल सही सुना, वो स्टॉक निकलता ही नहीं, रॉकेट हो जाता है। ये चार्ट अगर यहाँ से आने वाले साल 1.5 साल में अगर यहाँ से 3x रिटर्न दे जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के चार्ट निकलते हैं तो 2x तो मिनिमम निकलते ही निकलते हैं। तो यहाँ पे ये चार्ट है, जैसे ही इसकी क्लोजिंग यहाँ पे 110 रुपये के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे हो जाएगी, आज की डेट में 98 है, 110 रुपीज के ऊपर इसकी जैसे ही मंथली क्लोजिंग हो जाएगी ये चार्ट रॉकेट हो जाना चाहिए। ऑलरेडी ये चार्ट बता रहा है कि ब्रेकआउट कर जाएंगे, जिन्होंने बिफोर ब्रेकआउट भी अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी इसमें देख सकता है, और जो ब्रेकआउट के बाद जाना चाहते तो 110 रुपये के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो जाने दीजिए, ये चार्ट ये वहां से रॉकेट हो जाएगा। और ये चार्ट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आपको बताया
कि ये चार्ट मिनिमम 3x या 2x तो जाना ही जाना चाहिए। तो कुछ लेवल है जो आने वाले 2 से 3 मंथ में काफी आसानी से पॉसिबल है, 150-175 लेवल यहीं से बड़े लगेंगे। आपको लगेगा 50 से लेकर 70% तक 3 से 4 मंथ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन चार्ट यहीं पे पोस्ट होते हैं, जब टारगेट आते हैं तो यहीं पे बता दिया जाता है कि इनके टारगेट आ चुके हैं। तो पैसा वही बनाता है। इसके लिए अभी देखिए, अभी लर्निंग सीखिए यहाँ पे। अभी देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कितने अच्छा चार्ट हो, आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सबसे पहला क्या होना चाहिए, आपका स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको इस चैनल पर रेगुलर बनना है। सेकंड क्या होना चाहिए, आपके लेवल क्या होना चाहिए। देखिए अभी क्या है, 98 के आसपास है, कोई भी एक डिप मिलेगी यहाँ पे, 85-86 से लेके कोई भी एक डिप मिलती है 90 रुपए तक, तो यहाँ पे एंट्री बनती है, तो ये बेस्ट लेवल है बाय के लिए। सेकंड, अभी थर्ड क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के साथ ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा, पेशेंस नहीं है तो आपको कभी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या, अब लेवल बता दिए हैं, इस लेवल पे आएंगे तो आपका पैसा वहां से 100% आने वाले 6 महीनों में बन सकता है। तो ये हुई बेसिक चीजें, तो इस चीजों को कभी मिस मत कीजिए। मनी मैनेजमेंट ऑलवेज कीजिए, किसी भी स्टॉक में अपने फंड का 10% से ज्यादा कभी भी ना लगाएं, वन टाइम 5% यानी कि 50% ही लगाएं। तो और भी किसी स्टॉक के बारे में जानना हो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उस पर भी हम लोग अपनी राय जरूर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।